का वो बच्चा भी इस्लाम में आया और इन बच्चियों की भी इज्जत महफूज हुई तो करने का काम ये होता है संजीदा लोग शहर के जब इस तरह की खबर पहुंचे तो जाए इज्जत से बात करें प्यार मोहब्बत से बात करें उनकी परेशानियों को सुने और असलम वरहमत लाबरक हाजिर खिदमत हुए एक नई वीडियो लेकर दोस्तों तो आज मैं बात करूंगा कि जहेज़ के ऊपर जहेज़ एक ऐसी लानत है जिसने कई मुसलमान लड़कियों की शादी होने से रोक दिया है यानी जहेज़ ऐसी लानत है जिसके वजह से कई मुसलमान लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही और मुआशरा उनको बदनाम भी करता है उन पर लाल तान करता है उन्हें बुरा भला कहता है बहरहाल एक क्लिप है आप सुने और सुनने के बाद ख़ुद सोचे कि मुआशरा क्या इसका ज़िम्मेदार नहीं है क्या मोहल्ला इसका ज़िम्मेदार नहीं है यकीनन आप पहले इस क्लिप को देखें उसके बाद सुने और उसके बाद मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ वरह वीब हमारा हिंदुस्तान के एक बड़े शहर में सफर हुआ था तो वहाँ एक संजीदा किस्म के साहेब फहम आदमी ने यह वाक सुनाया जो उनके साथ पेश आया उन्होंने फरमाया कि जब व्हाट्सएप पर एक खबर वायरल हुई कि उन्हीं के शहर के एक मोहल्ले की एक पढ़ी लिखी बच्ची ने एक हिंदू लड़के से शादी की है तो वो इस वाकई की तहकीक के लिए वहां पर पहुंचे वो फरमाते हैं मैंने अपने दोस्त को साथ लिया और उस पते पर मैं गया जाकर हमने बाहर का गेट खटखटाया तो अंदर से एक बच्ची आई एक लड़की आई उसने ओढ़नी से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था आते ही वो बच्ची भड़क गई और उसने डांटना शुरू कर दिया कि क्यों आए हैं आप लोग गालियां देने के लिए आए हैं बुरा भला कहने के लिए आए हैं जितनी गालियां देना है आप दे लें जितना जलील करना है मुझे करके चले जाएं यहां पर अब तक जितने लोग जलील करके गए वो काफी नहीं था कि तुम लोग भी आ गए जितने लोग अभी गालियां देके गए वो काफी नहीं हुआ कि आप लोग अभी आ गए तो वो बच्ची बहुत भड़क के बहुत कुछ सुनाती रही गुस्से में बोलती चली जा रही थी ये फरमाते हैं कि हम लोगों ने सर झुका लिया और खामोशी से उस बच्ची की बात को तसली से हम सुनते रहे जब उसने बात पूरी मुकम्मल कर ली तो उन साहब ने कहा कि देखो बेटा उम्र के हिसाब से तुम या तो मेरी बेटी की उम्र के हो या मेरी बहन की उम्र की हो तो हम लोग यहाँ पर गाली देने के लिए नहीं आए आपको बुरा भला कहने के लिए नहीं आए बस इतना मालूम करना था कि क्या ये बात सही है कि आपने फला हिंदू लड़के से शादी कर ली है तो फिर गुस्से से भड़क गई उसने कहा मैंने शादी की है ये बात सही है मैं क्या करती फिर उसने फिर आवाज देकर अपनी दो बहनों को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखिए मेरी उम्र इस वक्त बत्तीस साल है ये ये मेरी बहन है इसकी उम्र तीस साल है ये मेरी दूसरी बहन है इसकी उम्र अट्ठाईस साल है कौन हमसे शादी करेगा ये कह के फूट फूट के वो रोने लगी फिर उसने कहा हमारे पास ऑफर्स हैं बायोडाटास आए हुए लड़कों के इतने डिमांड्स हैं अपनी कम्युनिटी के लड़कों के इतने डिमांड्स हैं वो डिमांड हम पूरे नहीं कर सकते वो लड़की रोने लगी तो फिर जो है उन साहब ने तसली दी उनको और प्यार मोहब्बत से बात की तो उन बच्चियों ने इन दोनों को घर बुलाया और अंदर बिठाया बिठाकर अपने बाप को दिखाया कि ये देखो ये हमारे बाप हैं ये पैरालीज हैं इनको पैरालिसिस हो चुका है ये चल फिर नहीं सकते बोल भी नहीं सकते कहा हम जब छोटी छोटी बच्चियां थीं उस वक्त हमारी माँ का इंतकाल हो गया था हमारे बाप ने हमारी परवरिश की खातिर दूसरी शादी नहीं की इन्होंने जो कुछ कमाया था जो बचाया था उसके में खास घर इन्होंने बनाया था वो घर भी हमारे बाप ने बेच दिया ताकि बच्चियों की पढ़ाइया मुकम्मिल हो घर बेच करके हमारे बाप ने हम तीनों को एजुकेटेड बनाया है लेकिन जितने लोग शादी के लिए आते हैं कोई कहता है हमें चार ए चाहिए किसी को कार चाहिए किसी को पैसा चाहिए फिर उस बच्ची ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया और कहा देखो देख के बताओ क्या मैं बदसूरत हूं क्या मैं बुरी हूं क्या मैं काली कलोटी हूं हूँ मुझसे खातून कहती है कि हम जहेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे लेकिन तुम्हारा रंग कम है इसलिए हम ज्यादा मांग रहे हैं तो बच्ची बोलती है चाचा आप बताओ क्या मैं काली हूं क्या मेरा रंग कम है क्यों इस तरह के खेल खेले जाते हैं क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं ये कह के वो तीनों बच्चियां रोने लगी फिर उस बच्ची ने बताया कि एक खातून आई थी रिश्ता देखने के लिए वो पूरे घर वाले आए हुए थे उन्होंने मुझसे पानी लाने के लिए कहा जब मैं पानी लेके चल के आई तो वो खातून मुझे देख के कहती है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम तुम्हारी चलन से मालूम होता है कि तुम कंवारी नहीं हो ये कह के फिर रोई बच्ची वो कहते कैसे कैसी तकलीफें हमने बर्दाश्त की हैं कैसे कैसे हालात हमने झेला है फिर उसने कहा फिर इन्होंने उनको तसल्ली दी और ये पूछा कि बेटा ये तो बताओ क्या तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है तो तीनों बच्चियों ने कहा हाँ चाचा हमारा अल्लाह पर ईमान है फिर उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हो क्यों आप आखिरी नबी हैं उन्होंने कहा हमारा इस पर भी ईमान है मौत के बाद जिंदगी है इस पर तुम्हारा ईमान है उन्होंने कहा हाँ चाचा हमारा इस पर भी ईमान है अभी भी हम ईमान पर कायम है तो उन्होंने कहा बेटा तुमको तो अल्लाह ताला ने जन्नत की शहजादियां बनाकर पैदा किया है अल्लाह ने तो तुम्हें जन्नत के लिए पैदा किया है दुनिया के हालात तो ये आगे पीछे होते रहते हैं आते रहते हैं परेशानी की कोई बात नहीं है फिर उस बच्ची ने बताया कि जब से ये व्हाट्सएप पे खबर वायरल हुई है तो जो लोग ये बड़ी खुशी के साथ व्हाट्सएप पे फैलाते हैं ना वो इसको जरूर सुने उसने कहा कि जब से ये व्हाट्सएप पे खबर वायरल हुई है नौजवान लड़के रोजाना मेरे घर के पास आते हैं और ऐसी गंदी गंदी गालियां देखे जाते हैं। इतनी गंदी गालियां देखे जाते हैं कि हमारे कान सुन सुन के पक गए हैं फिर वो लड़की ने बताया कि कुछ नौजवान आए उन्होंने बहुत बुरा भला कहा हमें बहुत बुरा भला कहा यहां तक उन्होंने कहा कि तुम तीनों बहनें आओ कपड़े निकाल के रास्ते पे लेट जाओ ताकि हिंदू आए और तुमसे अपनी जरूरत पूरी करके जाएं। तो फिर एक दूसरा ग्रुप आया लड़कों का उन्होंने भी कच्ची कच्ची गालियां दी हमें कि तुम हिंदू के साथ शादी की तुमने तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगी चल ये बताओ कि तुम चारों में से कौन में हमारे मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मुसलमान लड़कों ने उन बच्चियों से कहा कि उस बच्ची से कहा कि तू हमारे साथ शादी करने के काबिल ही नहीं है तू तो धंधा करने के काबिल है तो आप बताएं उन बच्चियों के ऊपर क्या गुजरी होगी तो फिर वो जो साहब गए थे उन्होंने उस बच्ची से पूछा बेटा ये तो बताओ कि तुम्हारे उस हिंदू लड़के से खुद, खुद जाकर उस लड़के से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं तो वो एकदम से परेशान हो गया लड़का तो उसने कहा कि मैंने कभी आपको इस नजर से देखा नहीं तो मैंने उससे कहा कि लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करू तो उसने कहा मुझे आप तीन दिन का टाइम दें तो उसने तीन दिन का टाइम लिया और फिर तीन दिन के बाद आकर उसने कहा ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं लेकिन इस शर्त पर कि आप मेरे मजहब को नहीं छेड़ेंगी मैं आपके मजहब को नहीं छोड़ू छेड़ूंगा तो इस शर्त पर फिर हमारी शादी हुई तो आप बताएं उसमें लड़के की कोई गलती नहीं मैंने अपनी मर्जी से खुद उससे शादी की है वो अच्छे अखलाक का लड़का है मैं खुश हूं उसके साथ तो आप बताएं मेरे दो बहनों की भी शादियां होनी है हम कैसे जहेज के डिमांड पूरे करें हम कैसे लोगों की तरफ से आने वाले जो ताने हैं इसको सुने कैसे ये जो मांग रहे हैं इतना पैसा रुपया इसको हम कैसे अदा करें वो बच्ची पूछ रही है कि वो रोने लगी तीनों बच्चियां सारे खिस्से को सुनाकर तो फिर उन वो जो साहब थे उन्होंने कहा बेटा फिक्र ना करो हम आपका साथ देंगे का क्या करें का सबसे पहला काम ये करो कि तुम लोग ये घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ उस बच्ची ने बताया देखिए हमारे अब्बा तो पैरालिसिस हैं चल फिर भी नहीं सकते बोल भी नहीं सकते हमारा कोई दूसरा घर भी नहीं है हम जाएं तो कहां जाएं तो फिर उन्होंने उनसे मशवरा किया और कहा कि अपने जो हिंदू शोहर हैं हस्बैंड है उनको कॉल करो वो कहाँ हैं कहा है? वो ड्यूटी कर रहे हैं चेन्नई में है जॉब कर रहे हैं तो फिर उनको कॉल किया कॉल पर बात की कॉन्फिडेंस में लिया उन्होंने भी कहा आप हमारे भाई हैं इतनी तमीज और अखलाक के साथ किसी ने अब तक हमसे बात नहीं की है आप जो चाहें कर सकते हैं आपकी बात हम मानेंगे तो फिर इन्होंने मशवरा करके उस बच्ची के हस्बैंड से परमिशन लेके बाप को बता करके वो पूरी फैमिली को उस घर से खाली कराकर अपने घर में लाकर रखा उन्होंने वहां उनकी खिदमत की खिलाया पिलाया फिर दूसरा घर दूसरे मोहल्ले में किराए पे लेकर पूरी फैमिली को इनकी वहां पर शिफ्ट किया वो जो लड़का था हिंदू लड़का वो भी बहुत मुतासर हुआ ये बच्चियों ने भी बहुत दुआएं दी कि चाचा आप फरिश्ता बनकर आए हमारी जिंदगी में वरना लोगों ने गालियां दे दे के ताने दे दे के हमें मार दिया था जिंदा मार दिया था हमें तो फिर वो लड़का भी इतना मुतासर हुआ वो चेन्नई से वापस आया उस शहर में और आने के बाद कॉल किया कहा कि चाचा मैं सफर से आया लेकिन पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आके वो बैठा मुलाकात हुई तफसील से बात हुई इस्लाम के तलुक़ से भी उसको बताया गया उसने भी इस्लाम के तालुक से पूछता रहा उसने कहा चाचा मुझे पहले से ही इस्लाम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो पहले हमने इस शर्त पर शादी की थी कि मैं उसके मजहब को नहीं छोड़ो छेड़ूंगा और वो लड़की मेरे मजहब को नहीं छेड़ेगी लेकिन मैं मुसलमान होना चाहता हूं तो इन्होंने कहा तुम जल्दी ना करो बेटा जो काम जल्दी में किया जाता है फिर वो जल्दी ही छोड़ भी जाता है तुम जाओ अच्छी तरीके से सोच समझ कर अगर दिल में बात हो तो फिर आना फिर वह लड़का चला गया और तीन दिन के बाद फिर उसने खुद से कॉल किया बोला नहीं चाचा मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर स्टडी भी की और मेरी बीवी से भी मैंने मशवरा किया मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूं कल जुमा का दिन है पवित्र दिन है आप कहेंगे तो मैं आ जाता हूं आप मुझे कलमा पढ़ा दें तो फिर अगले दिन वो बच्चा आया और जुमा के दिन उसको कलमा पढ़ाया अल्लाह की तोफ़ीक से फिर वो ईमान में दाखिल हुआ फिर उन बच्चियों का निका उस बच्ची के निका की तजदीद की गई निका क्या वो तो निका हुआ ही नहीं था आ, कोर्ट मैरिज हुई थी तो उनका निकाह पढ़ाया गया तो ये देखे ना इसके जरिए से अलहमदुल्ला वो बच्चा भी इस्लाम में आया और इन बच्चियों की भी इज्जत महफूज हुई तो करने का काम ये होता है संजीदा लोग शहर के जब इस तरह की खबर पहुंचे तो जाए इज्जत से बात करें प्यार मोहब्बत से बात करें उनकी परेशानियों को सुने और मस्जिद के कमेटी के लोग मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये फिक्र करें कि इनकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये नहीं कि सब लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग जाके गालियां दे रहे हैं उनको जलील कर रहे हैं ये कोई हल नहीं है और ये जो, जो जोड़ा जहेज और ये भीख मंगने का जो सिस्टम हमारे सोसाइटी में रायज हो चुका है इसको खत्म किया जाना चाहिए और जितना हो सके सादगी पर शादियों को लाएं वरना कौम तो बर्बाद होती चली जा रही है शादियों के पीछे इन अखराजात के पीछे और जोड़े जहेज की, इस लानत के पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं इसके खिलाफ लेकिन इसके बावजूद भी इससे हमारी जान नहीं छूट रही है अल्लाह करे कि कुछ हमें समझ आ जाए और हमारे कौम की बच्चियों की हिफाजत करना हमारे लिए आसान हो तो खुदारा इस पोस्ट को इन इस तरह के पोस्ट को फॉरवर्ड ना करें अवाम में न फैलाएं अगर किसी को मिल भी जाए तो जरील करने को गालियां देने को कोई बड़ा कमाल ना समझें संजीदा किस्म के लोगों तक पहुंचाएं ताकि वह उनके फैमिली से मिलकर उनकी काउंसिलिंग करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फिक्र करें जितना हो सके इस पैगाम को आगे पहुंचाएं ताकि लोगों के लिए इबरत का सामान हो तो दोस्तों आप लोगों ने सुना इस क्लिप को किस कदर दिल भर आया दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें असल वरहम तबरक